लेकिन हाँ ये चीज का बहुत बड़ा लूप हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज ना मैंने एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज करी है, मेरे लिए आप लोगों के लिए भी होगी। मेरी जावा सर्विस होनी थी, मैंने आपको हिमालयन वाले व्लॉग में बताया था, वीडियो में बताया था बेसिकली। तो आज ना मैंने जावा की सर्विस मंगवाई है घर पे, कि घर पे ही हो जाए। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है, देखो, राइड एंड रिपेयर करके है ये स्टार्टअप। तो मैंने इनसे मंगवाया है, अभी तक एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि इनकी सर्विस ही बेकार हो, फिर मैं आप लोगों को इतना भी दिखाऊं कि ऐसे 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 बुक करना है, तो मैं वो नहीं चाहता। शॉर्ट में बताता हूँ, इनकी वेबसाइट पर गया मैंने, उधर अपना स्लॉट बुक करा, एंड उसके 10 मिनट बाद ही मुझे मैकेनिक का फ़ोन आ गया कि ठीक है सर, हम आपके पास आते हैं। और मेरे से मैकेनिक ने एक चीज़ और पूछी कि आपको बाइक अपनी अपनी जगह पे ही सर्विस करवानी है या फिर हम अपने सेंटर पे ले आए। तो मैंने कहा कि सेंटर आपका कितना दूर है, उसने बोला 20-30 मिनट दूर है। चलो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट फिर मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर पे ही करवाना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इशू है तो आप बताओ। तो कहता नहीं नहीं सर, हमें कोई इशू नहीं है, हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं, सेंटर पर हमारे पास अलग मशीन जैसे प्लग चेक करने की और मतलब वो हवा हवा मारने की जो डस्ट होती है एयर फिल्टर से क्लीन करने की, यहाँ पे भी लेके आएंगे ऑब्वियसली, बट वो पोर्टेबल और एक बड़ी मशीन में डिफरेंस तो होता ही है। बट मुझे घर पे ही करवा के देखनी थी कैसी रहने वाली है। बहुत बार ही ऐसा होता है कि हम कहीं और है और हमें उधर ही चाहिए, जैसे मैं मसूरी गया था एक बारी और मेरी बाइक उधर ही ख़राब हो गई थी। अब फिर मुझे वहाँ से बड़ी मुश्किल हुई थी देहरादून तक लेके जाने में बाइक, तो अगर ये सर्विस का तब पता होता तो उधर ही ठीक हो जाती, समझो मेरी बात। तो ऐसा मैं चाहता हूँ, तो देखते हैं वो भैया आता है फिर हम अपनी बाइक सर्विस करवाते हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और अगर बाइक सर्विस अच्छी होती है तो आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे हम अपना सब कुछ करवा सकते हैं। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑब्वियसली, उनको पता भी नहीं है मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं बताऊँगा भी नहीं, मैं क्यों ही बताऊँगा, जब वीडियो बनाऊँगा तो देखेंगे। सो लेट्स सी, आई होप बाइक मेरी अच्छे से सर्विस हो और ये जो स्टार्टअप है ये बड़ा बने, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि बंदा घर आ रहा है और पूरा बाइक सर्विस हो रहा है, तो आई लाइक इट। अब लेट्स सी आगे का। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ गैराज में और भैया एकदम ऑन टाइम आया है, बिल्कुल भी लेट नहीं था बल्कि जल्दी आया। हिमालयन पे बैठा हूँ, वो भी जाओ स्टार्ट हो गई होनी, तो हाँ देखते हैं अब आगे कैसा रहता है, बट एकदम ऑन टाइम थे, जल्दी थे। तो भाई ये बाइक अपनी एकदम बढ़िया सर्विस हो गई है, कूलेंट इन्होंने पूरा नया डाला निकाल के, इंजन ऑयल पूरा चेंज हुआ है, मेरा ब्रेक ऑयल जो होता है ना ये पूरा ख़त्म हो गया था, तभी मेरी ब्रेक लग नहीं पा रही थी। प्लस यहाँ पे भी टॉप अप आया है, तो जितने भी टॉप अप्स थे वो सब आ चुके हैं बाइक में, बाइक फुली सर्विस हो चुकी है, इन्हें चला के भी देखी है, बढ़िया बाइक है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द ऐप। बाकी मैं आपको एक बार ऊपर जाके बताता हूँ। ओके गाइस, तो अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है डन। खैर अपनी बाइक की सर्विस तो 19 अक्टूबर को ही हो गई थी, 19 अक्टूबर को, और आज डेट है 2 नवंबर, ये देखो देख रहे हैं ना, हाँ तो आज 2 नवंबर है। फर्स्टली सबको हैप्पी दिवाली, मेरे पूरे दिल से आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपके फैमिली को हैप्पी दिवाली। चलो पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखो गैप इतना आ गया, तो मैंने बाइक अपनी चला वला ली है, फुल बढ़िया चला ली, ऑलमोस्ट 200 से 300 किलोमीटर लेके चलो पकड़ लो, तो 250 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ अपनी जावा पे। मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से, बढ़िया सर्विस है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब मैं ना तुम्हें इसमें बताता हूँ, अगर राइड एंड रिपेयर तुम भी देख रहे हो, तुम्हारी कंपनी में ना बहुत बड़ा एक लूप होल है, आप लोग भी सुनना। ये लोग अपना काम आगे देते हैं, जैसे मैंने इनके वेबसाइट से ऐप से बुक करवाया सर्विस को, ये लोग आके किसी मैकेनिक को देते हैं, जो इनके मैकेनिक्स हैं ऑल दो दे आर वेरी गुड, जिनसे इनका टाई अप है वो अच्छे हैं बहुत, लाइक दे आर प्रोफेशनल एंड बाइक एकदम बढ़िया करके जाएंगे, ये बात की आप चिंता मत करना, ठीक है। तो अब इसमें लूप होल क्या है ना, मतलब जैसे अब देखो वो मेरे पास आए, अब वो मुझे तो बोल ही सकते हैं ना कि मतलब अब आप हमसे ही करवा लेना आगे, हम घर भी आगे कर देंगे हम आप, या फिर आप हमारे सेंटर आके करवा लेना, तो ये लूप होल है, इनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाकी हाँ सर्विस वगैरह बढ़िया है, इनका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, एक्टिव है, कोई इश्यू नहीं आता। तो यप,
लेकिन हाँ ये चीज का बहुत बड़ा लूप हो रहा है। अगर आप इनसे फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनसे करवाई, जो लड़के आए मैकेनिक मैं उनको बोलता यार नंबर नंबर दे दो मैं अगली बार से तुमसे ही करवाऊंगा, तो फिर उनसे ही करवाऊंगा मैं। और समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ ठीक है। अब हम लोग आते हैं बात पे, पॉइंट पे। अगर आप लोगों ने भी इनकी सर्विस लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा ठीक है, दोनों डाल दूंगा। बहुत ईजी है, आप गूगल पे जाओ राइड एंड रिपेयर डालो, इधर ही आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे डल जाएगी। अब एक आपके सामने एक ऐसे करके आ जाएगा इनका इंटरफेस, स्मूथ सा इंटरफेस है। इधर बुक नाउ पे करो क्लिक, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आएगा कार और बाइक, हमारी ऑफ कोर्स बाइक है, आपकी कोई भी बाइक हो आप वो ले लो। फॉर एग्जांपल मेरी जावा थी, मैंने जावा कर लिया। फिर उसके बाद मॉडल, मॉडल कर दो जावा 42। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे था देखो सीसी के अकॉर्डिंग है चार्जेस, मॉडल से क्या ही है। तो हमारी जावा आ गई 250 से 400 सीसी के बीच में, राइट। अब उसके बाद एक तो पॉल्यूशन इतना हो गया ना, खांसी बहुत हो गई है। अब उसके बाद ही देखो यहाँ पे दिखाएगा आपको जनरल सर्विस, जिसके अंदर एयर फिल्टर चेक, क्लीनिंग है, बैटरी वोल्टेज चेक है, ब्रेक सर्विस है, केबल्स लिवर्स का एडजस्टमेंट है, चेन चेक है, क्लच की ग्रीसिंग है, ड्राई वॉश है, इलेक्ट्रिकल चेकअप है, इंजन ऑयल चेक है, इसके बाद क्या है, ग्रीसिंग है और लुब्रिकेशन है, ऑयल लीकेज चेक है और स्पार्क प्लग क्लीनिंग है ठीक है। तो ये हमें पड़ता है 1199 का, कूल। अब इसके बाद है जनरल सर्विस विद इंजन ऑयल। अब आपको अपनी बाइक के ऊपर ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अभी इसकी नीड है या नहीं है। अब देखो इंजन ऑयल तो आप चेक कर ही सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यू डिसाइड आपको किसके साथ जाना है। आप इसमें पढ़ लेना क्या क्या है, आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हो। इसकी कॉस्ट है 2574 ठीक है। उसके बाद इनके अलग भी है यहाँ पे, आप ये सारे इनके वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है, आप जब इतना ये सब कुछ भर लोगे, आपका हो गया कि हाँ मैंने अब ये ऐसे करवाना है, ये सब चीज़ें हो गई, उसके बाद सीधा ही आपकी एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिसके अंदर आपका नाम वाम हो गया ये सब चीज़ें आएगी। देखो यहाँ पे आपका अगला जो सा स्टेप है उसके अंदर आप नेक्स्ट करोगे तो नॉर्मल से आपसे मांगेगा आपका एड्रेस हो गया, ईमेल हो गई, फ़ोन नंबर हो गया, नाम वाम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें मांगेगा। और उसके बाद आपका ये सब बुक हो जाएगा, उसके बाद आपको आएगा एक कॉन्फर्मेशन कॉल, व्हाट्सएप पे आएगा, नॉर्मल कॉल आएगा, आप कन्फर्म कर दोगे। मेरे साथ तो विद इन 10 to 15 minutes फिर मैकेनिक का फ़ोन आ गया था, उसके बाद जो भी आपका स्लॉट बुक होगा, मेरे पास तो खैर वो ऑन टाइम से ही पहले ही आ गए थे। जो भी आप स्लॉट बुक करोगे, जैसे आप, मैंने 10 बजे बुकिंग करी थी और मैंने स्लॉट बुक करा था 11 बजे का, और वो मेरे पास 10:55 पे ही आ गए थे, मतलब इतना ऑन टाइम था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो जैसे आप अभी कर रहे हो, आप जब कभी का भी स्लॉट डालो 11, 12, वो आपके ऊपर है डेट स्लॉट व्हाटएवर, तो फिर उसके बाद आपको फ़ोन आ जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगी, फिर मैकेनिक का फ़ोन आ जाएगा, वो लोकेशन मांग लेगा, एंड दैट्स इट, बस हो गया सब कुछ। आप जब वो आए बैठे रहो, देखते रहो अपनी बाइक सर्विस हो तो, मैं नहीं देखनी मत देखो। बाकी आई नो गाइस वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, मेरी थोड़ी तबीयत फिर से ऊपर नीचे हो गई थी, बट ठीक है अभी आई एम फाइन, आई एम गुड। तो आप करते हैं डेली वीडियोस और आप बने रहो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, इधर एक बेल आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल कर दो, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस आए मैं जब भी वीडियो डालूं। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग। और मैं सिर्फ मोटो व्लॉग ही नहीं करता हूँ, मैं डेली व्लॉग भी करता हूँ, मैं डेली व्लॉग भी देखना। एक मैंने चैलेंज वीडियो करी थी, यहाँ पे डालूंगा, आई बटन पे आएगी इधर, तो वो चैलेंज वीडियो जरूर देखना, मुझे बताना कैसी लगी। मुझे मेरी फेवरेट वीडियो लगती है, मैं इसलिए उसको हर वीडियो में डाल देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो हर कोई देखे, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वीडियो मेरी। तो ठीक है, आप ये वाली वीडियो देखो जाके, फिर उसके बाद और वीडियोस देखो, मेरे शिमला के व्लॉग देखो, सब कुछ देखो, मजा आ जाएगा तो मैं फुल बढ़िया। चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।